एक छोटे से गांव में संदीप नाम का एक लड़का रहता था। वह गांव के अन्य बच्चों से अलग था, जिसका मन गहरी विचारों में खोया रहता था और अकेलापन की आदत उसे एक विशेष पहचान देती थी। संदीप की जिंदगी उदास लगती थी, लेकिन उसके लिए हर बात में कुछ खास था। वह दिन रात जीवन के गहरे रहस्यों पर सोचता रहता था, भविष्य की चिंता करता और अतीत की यादों में खो जाता था। उसकी बड़ी परेशानी यह थी कि वह पुरानी यादों को भूल नहीं पाता और एक ही बात के बारे में बार बार सोचता रहता था। अगर कोई उसको कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह उसी घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का भी ऐसा ही था। उसे पुरानी यादों से छुटकारा नहीं मिलता था और वह एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वह उसी घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वह एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर से मिले। वे बताएंगे कि कैसे उन्हें इस समस्या से निकलना है। लड़का मास्टर के पास गया और अपनी समस्या का विवरण दिया। मास्टर ने ध्यान से सुना और फिर एक उपाय बताया। मास्टर ने एक ग्लास लिया और पूछा, इस ग्लास का वजन कितना है? लड़का ने कहा, मुझे नहीं पता, ये लेक किन इस ग्लास का वजन कम ही होगा। मास्टर ने उसे एक सवाल पूछा, अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़का ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। मास्टर ने पुनः पूछा, अगर मैं इस ग्लास को एक घंटे तक ऐसे ही पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़का ने उत्तर दिया, मुझे हाथ में दर्द होगा। मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को पूरे दिन ऐसे ही पकड़ता रहूं तो क्या होगा? लड़का ने कहा, मेरे हाथ में बहुत दर्द होगा। मास्टर ने कहा, इसी तरह जैसे ग्लास को पकड़ने से तुम्हारे हाथ में दर्द होता है, तुम्हें भी पुरानी बातों को अपने दिमाग में न रखने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा तुम उन्हें याद करोगे उतना ही तुम्हें दुख होगा। इन यादों को छोड़ दो और अपने हाथ से इन्हें निकालो। लड़का समझ गया कि मास्टर का कहना क्या था। उसने समझा कि वह पुरानी बातों को अपने दिमाग से हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसने मास्टर के उपाय को माना और इसे अपनाया। धीरे धीरे उसने पुरानी यादों को भूल जाने की कोशिश की। वह सोचना बंद कर दिया और प्रसन्नता से जीने लगा। उसने सीखा कि गुजरी हुई बातों को अपने जीवन में न लाना ही सही होता है। जब वह अपने दिमाग को खाली कर दिया तब उसने अपने जीवन को अधिक समृद्ध बनाने के लिए नए काम की ओर ध्यान दिया। उसने नई दिशा में कदम बढ़ाया और सकारात्मक बदलाव लाया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सुधार होने लगा। वह अब अपने दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बना रहा और अपने काम में भी सफलता प्राप्त करने लगा। उसने समझा कि अगर उसने अपने दिमाग को पुरानी बातों से मुक्ति नहीं दी तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मास्टर के उपाय ने उसकी जिंदगी को नई दिशा दी। उसने समझा कि हर मुश्किल का समाधान होता है, बस उसे सही दिशा में ढूंढना होता है। इस कहानी से संदीप ने यह सीखा कि जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन हमें हर मुश्किल का सामना करने की क्षमता रखनी चाहिए। पुरानी यादों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना और नई स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हमें अपने जीवन को सकारात्मक और संतुष्ट बनाने में मदद करता है। इसके अलावा हमें अपने मन की शांति और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने मन को साफ और स्वस्थ रखेंगे तो हम सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे।